अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ सुक्की बोंबिल का ठेचा। उसके लिए हमें चाहिए बोंबिल, लहसुन, हरी मिर्ची तीखी वाली और थोड़ी फीकी वाली, और इसके लिए चाहिए प्याज एक और थोड़ी सी कोथमीर। अब हम शुरू करते हैं। पहले हमको बोंबिल को धोना पड़ेगा। के लिए पहले पानी डाल के ऐसे धो धो के निकालना पड़ेगा। क्योंकि इसमें मिट्टी होती है और गंदगी भी होती है। ऐसे धोने से ये साफ हो जाएगा। अब हमें एक कढ़ाई लेके उसमें थोड़ा ऑयल, ये मैं अंदाजे से ली, इसमें हमें सब फ्राई करना है, लहसुन मिर्ची और बोंबिल। पहले लहसुन और मिर्ची को फ्राई करेंगे। अभी हम लहसुन फ्राई करेंगे। थोड़ा लाल होने तक फ्राई करना, और ऐसी हरी मिर्ची भी फ्राई करनी और बोंबिल भी एक एक करके फ्राई करें। हमारे लहसुन ये फ्राई हो गए, अभी इसे निकालेंगे। उसके बाद हरी मिर्ची, हरी मिर्ची को थोड़ा कट करके फ्राई करना, नहीं तो ये फूटेगी तेल में। स्लो गैस पे इसको फ्राई करना। ये हमारी मिर्ची फ्राई हो गई, अभी इसे हम निकाल देंगे। अब हम इसमें बोंबिल फ्राई करेंगे, ये जो धोके रखे थे। ये बोंबिल फ्राई हो गई, अभी इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। और इसी तरीके से और भी बोंबिल फ्राई कर लेंगे। हमारी बोंबिल, मिर्ची और लहसुन फ्राई हो गए। अब इस तीनों चीज़ को मिक्सर में मोटा मोटा पीस लेंगे एक एक करके। मैंने लहसुन और हरी मिर्ची को मिक्सर में मोटा मोटा पीस लिया है, और ये फ्राई बोंबिल को भी। अभी हम इसे कढ़ाई में, थोड़ा सा तेल इसमें बचा है बोंबिल जो फ्राई करी थी, थोड़ा और डालेंगे। अब इसमें एक प्याज डालेंगे। ऐसे में थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है। अब इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और हरी मिर्ची। ये प्याज थोड़ा लाल हो गया, इसको भी थोड़ा लाल करेंगे।
प्याज के साथ। ये थोड़ा लाल हो जाएगा। हमारे प्याज और लहसुन हरी मिर्ची फ्राई हो गए, भून गए इसमें तेल में। अब इसमें हम बोम्बिल डालेंगे जो फ्राई करके मोटा मोटा पीस लेंगे मिक्सर में। अब इसको मिक्स करेंगे स्लो गैस। और इसमें थोड़ा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें आप थोड़ा कोथमीर डालेंगे। इसको भी मिक्स करेंगे। ये हमारा ठेसा बन गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। बन गया हमारा ठेसा, अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। और इसको कोथमीर से गार्निश करेंगे, थोड़ी सी कोथमीर। ये हमारा बोम्बिल का ठेसा तैयार है। ये मेरी पहली रेसिपी है। इसके लिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।